सागवन के पेड़ जंगल में लंबे क्यों होते हैं और इनके चक्कर में आप कभी मत पड़िएगा। ये देखिए, मैं इस समय सोहगी बर्मा में हूँ और यहाँ पे देखिए ये सागवन के पेड़ है। यहाँ की जो एवरेज हाइट होती है बहुत ज्यादा होती है, अगर हम सागवन की प्लांटेशन करें तो ऐसी नहीं हो पाती है। यहाँ पे कुछ आपको साखू के पेड़ भी दिखेंगे, जिसको हमारे वहाँ बोलते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल गिरा, 100 साल सड़ा, मतलब 300 साल लगते हैं इसको पूरा डिकम्पोज होने में, बहुत ही मजबूत माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, ये सागवन इतने मोटे और लंबे कैसे होते हैं। आपको बता दें कि जैसे जंगल होते हैं तो यहाँ पे सनलाइट की बहुत ही कॉम्पिटिशन होती है, तो सीधा सीधा यहाँ पे कोई इनकी छटाई करने वाला नहीं आता। ये आप देखिए, आपको और दिखाते हैं, जरा कैमरा पास लाइए। ये आप देख रहे हैं इतना मोटा है, इतना मोटा तो शायद आप अपने लगाकर अपने जीवन में इतना कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये जंगल में हो जाता है और बहुत हाइट गेन करता है। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप जो है कि इसको अगर जंगल में लगाते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आपका घर जंगल के आसपास पड़ता है तो आप कोई एक पेड़ लगा के देख लीजिए और एक पेड़ उसको खाली खेत में या फिर खाली ओपन जगह में लगा दीजिए। जो जंगल वाला आपने पेड़ लगाया होगा वो सनलाइट के कॉम्पिटिशन के चक्कर में वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। उसको कटाई छटाई करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मैं बताता हूँ किसान भाइयों कि ऐसे कई एजेंसी वाले होते हैं जो कहते हैं कि आप सागवन के पेड़ लगा लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ये है वो हो जाएगा। तो हमारे वहाँ क्या होता है, आप लगा तो लेंगे लेकिन काटने में आपकी नानी याद आ जाएगी, या इतना मुश्किल होता है उनकी पूरे की जो लॉग होती है, जो टिम्बर बड़ा बड़ा लट्ठा होता है उसमें उसकी नंबरिंग की जाती है और कटवाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। तो आप ये सब चीजें जानिए, आपको जाननी जरूरी है, हम लोग का काम है बताना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मैं मिलता हूँ किसान भाइयों अगले वीडियो में। नमस्कार।